फ्राइडे द 13th के बारे में हम सब ने तो कभी ना कभी जरूर सुना है, लेकिन बहुत ही कम जन जानते हैं कि इसके पीछे की रीजन क्या है। इस डेट को अनलकी क्यों माना जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई, वीडियो में मैं आपको फ्राइडे द 13th की मिस्ट्री बताऊंगा। सो लेट्स एक्सप्लोर। इसकी उपज तो अब तक स्पष्ट नहीं हुई है, किंतु हम इतना जानते हैं कि फ्राइडे और नंबर 13 दोनों अपने आप में एक बहुत ही बड़ा बैड लक है। फ्राइडे को बुरा दिन क्यों माना जाता है? फ्राइडे को हम अनलकी इसलिए मानते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यही वो दिन है जिस दिन ईव ने एडम को एप्पल दिया था और उन दोनों को गार्डन ऑफ ईडन यानी स्वर्ग से निकाल दिया गया था। कहानियों के अनुसार एडम और ईव को कथित के अनुसार एक अस्तित्वहीन फ्राइडे को ही मार दिया गया था। और ऐसा भी माना जाता है कि टेंपल ऑफ सोलोमन, जो कि हिब्रू बाइबल की मान्यता के अनुसार फर्स्ट होली टेंपल थी, वो इसी दिन तबाह कर दी गई थी और महान जीसस को इसी दिन क्रूस पर चढ़ा के मार दिया गया था, जिसको आज हम गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं। और गुड फ्राइडे के कुछ हाल के इतिहास में कई संदर्भ निकल कर आए हैं जिससे फ्राइडे को खराब किस्मत के लिए माना जाता है। ये तो हो गए कुछ मामले जिससे पता चलता है कि फ्राइडे को अनलकी क्यों माना जाने लगा। अब हम बात करते हैं कि नंबर 13 को लोग क्यों बैड लक मानने लगे। ऐसे कई कहानियां हैं जो नंबर 13 की अनलकीनेस के कारण की उपज हो सकते हैं, और इनमें से जो सबसे प्रसिद्ध है वो भी क्रिश्चियनिटी से ही निकल कर आई है। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत बड़ा बदनसीबी है जब 13 लोग एक साथ डिनर करने बैठते हो। जो भी हो, हिंदूज का भी कुछ ऐसा ही मानना है कि अगर 13 लोग एक साथ कहीं मिले कोई एक कारण के लिए तो वो भी बहुत अशुभ होता है। बहुत दूर नॉर्दर्न यूरोप में प्राचीन काल के वाइकिंग्स का भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता मान्यता है। पुरानी नॉर्स मिथ के अनुसार एक बार 12 भगवान वलाला के एक हॉल में फीस्ट कर रहे थे, तब लोकी द गॉड ऑफ मिस्चीफ प्रकट होते हैं और लोकी के आने से उन भगवानों की संख्या अनलकी नंबर 13 हो जाती है। लोकी ने फिर गॉड हॉर्ड को प्रोत्साहित किया कि वो गॉड बाल्डर को मार दे। इसका अंजाम सब वलाला से बाहर फेंक दिए गए और शोक के साथ सब कुछ खत्म हुआ। यही वो कारण है जिससे साबित होता है कि जब 13 लोग डिनर करने बैठते हैं तो इसे अनलकी क्यों माना जाता है। एंशियंट इजिप्शियंस की अगर माने तो उनकी मान्यताओं के अनुसार लाइफ एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो कि चरणों में सामने आता है। उनका मानना था कि पहले के 12 चरण उनकी लाइफ में होते हैं, पर जो लास्ट 13वीं चरण है वो मरने के बाद अगले जन्म में होती है, इसलिए इस मामले में भी नंबर 13 बदनाम है। आपने शायद कभी सुना होगा कि इसी दिन लोगों की रक्षा करने वाले नाइट्स टेम्पलर यानी सूरवीर टेम्पलरों को बंदी बना लिया गया था, और ये फ्राइडे अक्टूबर 1307 को हुआ था। तो ये धारणा कि फ्राइडे द 13th अनलकीएस्ट ऑफ द अनलकी है, इन सब मान्यताओं से ही प्रेरित हुई है। और अगर हम शुरुआती 20वीं दशक में आए तो यहाँ भी कई दस्तावेज उदाहरण है जो कि हमारे दिमाग में ऐसी इमेज लाती है कि फ्राइडे द 13th सबसे अनलकी दिन है। साइकोलॉजिस्ट ने ये खोज निकाला है कि अगर हमारे आसपास कुछ नकारात्मक घटनाएं होती है तो लोग उस घटना और उस डेट के बीच में एक इमेजिनरी इमेज बना लेते हैं, मतलब असल में कुछ डरने की बात नहीं है, पर ये सब आपकी सोच से पैदा होती है। डच सेंटर ऑफ इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स जो कि 2008 में हुई थी, उससे ये प्रूव हुआ कि फ्राइडे द 13th और सब दिनों से अलग नहीं है, बल्कि ये तो पूरी उल्टी निकली उनके रिजल्ट्स के अनुसार। ये मालूम चला कि फ्राइडे द 13th ड्राइव करने के लिए सबसे सुरक्षित दिनों में से एक है। लगभग 2 साल की डेटा कलेक्शन 2006-2008 नीदरलैंड से ये निकल कर आया है कि जिस दिन फ्राइडे और 13th एक साथ पड़ती है किसी भी महीने में, उस दिन लगभग 7,500 एक्सीडेंट्स होते हैं, पर अन्य आम फ्राइडेज जिस दिन 13 तारीख नहीं पड़ती हो उस दिन लगभग 7,800 के करीब एक्सीडेंट्स होती है। ये थ्योरी बिल्कुल सिंपल है कि लोगों के मन में जो डर है और उसी डर के चलते फ्राइडे द 13th को सेफर ड्राइव करते हैं। उन लोगों ने यही चीज क्राइम्स और रिपोर्टेड फाइल्स के बारे में भी पाया। जिस दिन फ्राइडे द 13th होती है उस दिन क्राइम्स और फाइल्स अन्य आम दिनों के कंपैरिजन में हमेशा कम ही रहती है। ये इसलिए क्योंकि लोग पुराने माइंडसेट के चलते ज्यादा सतर्क रहते हैं। और अजीब बात तो यह है कि ऐसे भी बहुत सारे नेशंस हैं जैसे स्पेन, जहां पे फ्राइडे द 13th को अनलकी नहीं बल्कि लकी माना जाता है, उल्टा वहां ट्यूजडे द 13th को अनलकी माना जाता है। मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद आपको यही बताना है कि अंत में ये साबित होता है कि आप जैसा मानते हो आपके साथ वैसा ही होता है। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो इस दिन को अशुभ और इविल मानते हो तो आपके ओवरथिंकिंग के चलते आपके साथ कुछ नेगेटिव चीज होनी ही होनी है, और अगर आप इस सुपरस्टिशन में नहीं मानते हो तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं हर 2 दिन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। सो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।